हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी बच्चों का चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है और शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है उसके तहत हर बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु का है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए, क्योंकि ये बच्चे का अनिवार्य अधिकार है, इसके लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन के संबंध में, और ये नामांकन हमारा शारदा ऐप पे होना है, जिसका मतलब है बच्चा स्कूल हर दिन आए के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये हमारा परिवार सर्वेक्षण का जो डेटा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 मई 2024 को ये हमारा जो पत्रांक है, जो आदेश है, वो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। तो इस परियोजना कार्यालय के द्वारा इस आदेश के तहत ये बात बिल्कुल साफ निश्चित हो जाती है कि 24-25 में जो परिवार सर्वेक्षण का काम हम करेंगे, परिवार सर्वेक्षण का काम जो किया जाना है, और इस बार परिवार सर्वेक्षण 2 चरणों में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार चरण के सर्वेक्षण के लिए 2 चरण दिए गए हैं। प्रथम चरण में परिवार सर्वेक्षण दिनांक 17-6-2024, यानी ये हमारा कल से प्रारंभ हो चुका है, से 16-7-2024 तक, यानी हमें 1 महीने की इस अवधि में परिवार सर्वेक्षण का प्रथम चरण पूरा करना है। और उसके बाद द्वितीय चरण जो होगा वो हमारा 1-8, यानी ये हमारा अगस्त से शुरू होगा और ये 31 अगस्त तक चलेगा, यानी अगस्त में हमें इसका दूसरा चरण पूरा करना है। तो इंपॉर्टेंट बात इस बात ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का चिन्हांकन भी किया जाएगा और ऐसे बच्चों को शारदा ऐप के तहत पंजीकृत किया जाना है। तो इस बात को हम सबकी जिम्मेदारी होगी कि सभी शिक्षक अपने जो स्कूल के प्रांगण में, जो प्रमाइसिस के तहत आपकी ग्राम पंचायत में जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को आप परिवार सर्वेक्षण DCF भरने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिवार सर्वेक्षण की DCF है जो 2023-24 में हमें भरी जानी है, और ये प्रपत्र हमारा 15-9-2024 तक भरा जाएगा, यानी ये हमारा जो स्थिति ये रहेगा, ये 15 नवम्बर तक हमारे पास भरा जाना है और 15 नवम्बर तक ये पूरा कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। तो इस तरीके से परिवार सर्वेक्षण का काम कंप्लीट हो जाता है। और परिवार सर्वेक्षण के काम को कंप्लीट करने के लिए से पहले कौन से बच्चे होंगे जिन बच्चों का चिन्हांकन किया जाना है, जिन बच्चों की जानकारी दी जानी है, या जिन बच्चों को शारदा ऐप के तहत रजिस्टर करा जाना है, तो उसके तहत यहाँ पर आपको नीचे जब आप आएंगे तो परियोजना कार्यालय के इस पत्रांक के साथ ये लेटर, जो कि हमारा आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर KMK सुंदरम के द्वारा है, ये उत्तर प्रदेश सचिव शासन के द्वारा प्रेषित कार्यक्रम है, और इसके तहत समस्त जिला अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों को इस बात के लिए कहा गया है कि आप जो आपके बच्चे हैं उन सभी में 2000, क्योंकि यहाँ पर ये बात विशेष है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनका किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं है, ऐसे समस्त बच्चों की आयु संगत कक्षा में उनका नामांकन कराया जाएगा और उनको प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत बच्चों का जो चिन्हांकन किया जाना है, ये 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे बच्चों में पहले बच्चे वे होंगे जो कभी भी विद्यालय में गए ही नहीं, जिनका कभी भी कहीं नामांकन नहीं हुआ, या ऐसे बच्चे जो कि पूर्व में नामांकन हुआ था लेकिन किसी कारणवश वो अपनी पूरी शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल को छोड़ चुके हैं, यानी वो अपव्यय और अवरोधन का शिकार हो गए हैं, अपव्यय या अवरोधन का शिकार वो हो चुके हैं और इसके कारण उनकी शिक्षा बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे आयु के बच्चों को 2023-24 के परिवार सर्वेक्षण के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चा घोषित किया जाना है, और ऐसे बच्चों को 17-6-2024 से 16-7-2024 तक प्रथम चरण में चिन्हित किया जाएगा, और उसके बाद दूसरे चरण का नाम जो सर्वे किया जाएगा उस अवधि में सभी बच्चों को, जिनमें कि सभी नगरीय परिवार, ईंटा भट्टा, खदान, कर्मचारी, होटल, ढाबा, असेवित और मलिन बस्तियां, इन सभी पर हम बच्चों का सर्वेक्षण करते हुए उनका नामांकन कराने की कोशिश करेंगे, उनका चिन्हीकरण करेंगे। 17-6-2024 से 16-6-2024 तक प्रथम चरण, 1-8-2024 से 31-8-2024 तक द्वितीय चरण में इन बच्चों का चिन्हांकन होगा, और उसके बाद ये बच्चे परिवार सर्वेक्षण DCF जो कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है, इस पर मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा कि परिवार सर्वेक्षण किस तरीके से पूरा किया जाना है और इस बार परिवार सर्वेक्षण में क्या चीजें की जाएंगी, क्योंकि वहां पर मात्र अपडेशन किया जाना है, इस बार कोई डाटा फीडिंग पहले से नई नहीं होगी।
तो ऐसे में इन सारे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल घोषित करके इनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाएगा और ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में दो से आठ की कक्षा के ये बच्चे जब कक्षा में प्रवेश करेंगे तो इनका बेसलाइन असेसमेंट 15 दिन के बाद शारदा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा मूल्यांकन अक्टूबर में और तीसरा मूल्यांकन माह जनवरी में किया जाएगा, चौथा मूल्यांकन मार्च में किया जाएगा। तो इस तरीके से इन बच्चों के शिक्षा परिणामों की घोषणा और उनका एक पंजीकरण करने के बाद एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा और ये सहायक नोडल अध्यापक के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने परिवार सर्वेक्षण को पूरा करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शारदा ऐप में नामांकन कराना है। आप सभी भी अपने एरिया के बच्चों का नामांकन अपने विद्यालय ग्राम पंचायत के एरिया का प्राइवेट में या सरकारी स्कूल में अवश्य कराएं। धन्यवाद।